नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से भगवान परशुराम के रंगीन पोस्टर का विमोचन राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने राजभवन में किया। इस अवसर पर मिश्र ने कहा कि भगवान परशुराम के बताए हुए रास्ते पर आज की युवा पीढ़ी को चलना चाहिए और भगवान परशुराम ने अतातियों का नाश किया और मातृ और पितृ भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण थे। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि पूरे प्रदेश में हर घर में परशुराम के संदेश के साथ 1,00,000 पोस्टर सर्व ब्राह्मण महासभा का द्वारा निशुल्क बांटे जाएंगे, जिससे कि 3 मई के दिन लोग अपने घरों पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर सके। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, संरक्षक एडवोकेट एस सी गणेशिया, जगन्नाथ शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री बी एम शर्मा, अतिरिक्त डायरेक्टर डी पी आर गोविंद पारेख, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रमुख ज्योतिष पंडित मुकेश भारद्वाज, महासभा के महामंत्री संजीव सुरोलिया, प्रदेश सचिव सुरेश उपाध्याय, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सविता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, जयपुर शहर अध्यक्ष अनिल सारस्वत, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट अमरेश शर्मा, युवा संभाग अध्यक्ष दिनेश शर्मा, योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। भगवान परशुराम का निःशुल्क पोस्टर लेने हेतु महासभा के प्रधान कार्यालय पंचवटी H58A झकोरेश्वर मार्ग बनी पार्क जयपुर पर संपर्क कर सकते हैं।